सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती रेणुका गोस्वामी, सहायक शिक्षक LB, मेरी शैक्षणिक योग्यता MA हिंदी तथा व्यवसायिक योग्यता BEd है। मुझे लगभग 14 वर्षों का शैक्षिक कार्य करने का अनुभव है। मेरा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़, जो जाजल्वे देव की नगरी से विख्यात है। यहाँ अनाज का उत्पादन बहुत आयात मात्रा में होती है, इस कारण यह जिला जो है अनाज उत्पादन में अपना विशेष स्थान रखता है। यहाँ हसदेव परियोजना जो चलाई जा रही है, वो हमारे आसपास के इलाकों के लिए जीवन दायिनी के रूप में माना जाता है। मेरा विद्यालय जो कि ब्लॉक बलौदा के अंतर्गत आता है, प्राथमिक शाला फुलीपोटा, जो जांजगीर से चांपा जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही स्थित है। मेरे विद्यालय का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुंदर है। हमारे विद्यालय परिसर में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आसपास तालाबे और कुछ खेत खलिहान है, जो जमीन स्तर पर जुड़े ग्रामीण स्तर के बच्चों को सीखने में मददगार साबित होता है। मेरी समस्या, कोरोना काल में जब स्कूल बंद थी और बच्चों को ऑनलाइन या मोहल्ला क्लास में शिक्षा प्रदान करना था, ऐसे समय में मुझे बहुत सारी समस्याएं आईं, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लास में जुड़ते नहीं थे और मोहल्ला क्लास में उनके पेरेंट्स उनको कोरोना के डर से भेजते नहीं थे। ऐसी स्थिति में बच्चों को सिखाना मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम हो गया। और इसी समय मैं शून्य निवेश नवाचार अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण में जुड़ी, जो हमारे मास्टर ट्रेनर द्रोण सर जी द्वारा दिया जा रहा था। इससे मुझे बहुत ही लाभ हुआ। मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा, विभिन्न गतिविधियां और कैसे बच्चों के लिए आकर्षक और रुचिकर शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत मैंने बहुत सारे उपचारात्मक शिक्षण और पाठ योजना तैयार करके बच्चों को पढ़ाया, जिससे मुझे बहुत ही लाभ हुआ। साथ ही बच्चे रुचि लेने लगे और जागरूकता के साथ और इंटरेस्ट लेकर बच्चे पूर्ण सहभागिता दिखाने लगे। इसके अंतर्गत मैंने खेल खेल में बच्चों को सिखाना, स्टाम्प मैपिंग के द्वारा सरल अंग्रेजी अधिगम और शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत अपने आसपास संसाधनों का उपयोग कर TLM निर्माण करना। और फिर मैंने धीरे धीरे बच्चों को यह सभी गतिविधियां कराती गई और बच्चे धीरे धीरे जुड़ते गए और अपने आसपास के अपने घर के ही कुछ संसाधनों का उपयोग कर विषयगत बच्चे TLM बना बना कर मुझे दिखाने लगे और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार मुझे इस प्रशिक्षण से बहुत ही लाभ हुआ। अरविंदो सोसाइटी के मास्टर ट्रेनर तथा प्रतिनिधि के रूप में हमारे ड्रोन सर जी का बहुत ही धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बताया ट्रेनिंग के दौरान कि किस तरह हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में रुचि जागृत कर सकते हैं, कैसे उन्हें जोड़ सकते हैं और विभिन्न तरीकों के माध्यम से बच्चों में जागरूकता ला सकते हैं। रोल मॉडल शाला के रूप में अपने शाला को मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी देश समाज के विकास का आधार होता है शिक्षा, और शिक्षा का मूल आधार होता है प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि हम प्राथमिक शिक्षा के बिना उस शिक्षा की कल्पना तो कर ही नहीं सकते। और इस कोरोना काल में प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना एक चैलेंजिंग रूप में था, जिसे मैंने स्वीकार किया। साथ ही मेरे सभी सहयोगी शिक्षकों ने मेरा बहुत ही साथ दिया और मेरे समुदाय के लोगों ने भी मेरा सहयोग मुझे सहयोग प्रदान किया। और मैंने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, जो मैंने अरविंदो सोसाइटी द्वारा सीखा था, उसके माध्यम से अपने स्कूल को एक उपचारात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षण
प्रदान किया, जिससे मेरे साला का और मेरे बच्चों का शिक्षण का स्तर में सुधार आया। इसलिए मैं अपने साला को एक रोल मॉडल साला के रूप में देखना चाहती हूँ। साथ ही मैं HDFC बैंक का भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने के लिए एक मंच प्रदान किया। धन्यवाद।